चलो साथ है और लोगों के साथ पहले से ही काफी मिले पल पल करके परवान चढ़ी, लेकिन इसकी किसी ने चिंता नहीं की। हमारे लिए पर्यावरण का भी विषय था, आस्था का भी विषय था, सीमा पर क्षेत्र को लेकर के इतनी राजनीति की जाती है। लेकिन इन्हीं 5 वर्षों में बंकर का निर्माण कार्य आरंभ हुआ, सीमा भवन का निर्माण कार्य आरंभ हुआ, वहां पर शौचालयों का निर्माण जारी है। 600 शौचालय निर्माणित होकर के तैयार हो चुके हैं और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से आखिरी दिन तक हमारी ये विकास का परिश्रम संघर्ष जारी रखते हुए 8 मोबाइल टावर सीमावर्ती क्षेत्र के लिए मंजूर हुए। 3% आरक्षण, ये भी मीडिया मित्रों के लिए शोर का विषय रहेगा। क्या कारण था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकारों ने LOC पर रहने वाले सीमावर्ती क्षेत्र के बच्चों को आरक्षण दिया, परंतु इस क्षेत्र के लिए सीमा के एक भाग और सीमा के दूसरे भाग के बीच में भेदभाव करना, युवाओं के साथ अन्याय करना, इससे अधिक अमानवीय कार्य और कोई नहीं हो सकता। वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, उसकी भरपाई करने का प्रयास किया गया। भद्रवाह में देश का सबसे अपने ढंग का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, डोडा में 3 सुरंगे 5 वर्षों में निर्माण के लिए मंजूरी प्राप्त हुई, चाहे छत्रकला है, चाहे नेहचे ही, और कहीं भेदभाव नहीं हुआ। जात पात को देखकर, मजहब को देखकर के उज्ज्वला गैस का सिलेंडर हर रसोई में पहुंचा हुआ है और उसके ऊपर मोदी जी का चित्र लगा है। हमने कभी ये नहीं पूछा कि ये रसोई हिंदू की है कि मुसलमान की है, सिख की है। इस प्रकार इन योजनाओं को 5 वर्ष में बढ़ाने का कार्य किया गया है और इसका सफलता का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को जाता है। उम्मीदवार होना एक इत्तफाक है, लेकिन असली श्रेय भारतीय जनता। पिछली बार गुलाम नबी आजाद को अजमाया था, इस बार राज परिवार के सुना है एक चेहरा लाने वाले हैं, कितना किस तरह से लगता है कॉम्पिटिशन? जनता पार्टी एक कार्डर बेस पार्टी, जनता की पार्टी ऑफ दी कार्डर एंड पार्टी ऑफ दी मास, और इसलिए यहां ना परिवारवाद है, ना वंशवाद है, ना बाप बेटे के नाम पर वोट लिया जाता है। और ये युवाओं का देश है, जहां 70% से अधिक 30 वर्ष से कम आयु के युवा, हम युवाओं की कसौटी पर पूरा उतरे, यही हमारा लक्ष्य है। और युवाओं ने हमें कसौटी पर परखा 5 वर्ष और पूरा हमसे 5 वर्ष अगले कार्यकाल में सेवा लेने का निर्णय किया है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी संपत्ति और सबसे बड़ा उत्साह है। क्या कर रहे हैं? जैसे जैसे चुनाव आता है, अनेकों उम्मीदवार खड़े होते हैं, पिछले चुनाव में भी बहुत से खड़े थे, इसीलिए तो प्रजातंत्र में चुनाव को उत्सव माना जाता है। और शायद इलेक्शन इज द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, अभी चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा और बहुत सारे उम्मीदवार खड़े होंगे।